तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपने बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो वो भी ऑन कर दीजिएगा, और थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़वाने में थोड़ी सी मदद की जाए, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो चैनल है वो 10K सब्सक्राइबर के आंकड़े को क्रॉस कर सके, ताकि एक बड़ी अपडेट होने वाली है हमारे चैनल पे, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपने नोट्स को बनाया होगा तो उस नोट्स में आपको आंसर मिल जाएंगे। आप गूगल वगैरह भी करके इनके आंसर्स को निकाल सकते हैं। जैसे हार्डनेस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, डिग्री क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, और इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये आपको डिस्कस कर लेना है, क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपका आता है व्हाई हार्ड वाटर कंज्यूम ए लॉट ऑफ सोप विथ रिएक्शन, यानी क्यों हार्ड वाटर ज़्यादा सोप को कंज्यूम करता है, एंड व्हाई हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, यानी क्यों हम हार्डनेस ऑफ वाटर को CaCO3 इक्विवेलेंट के रूप में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर का अल्कलिनिटी क्या होता है, एंड स्टेट द टाइप ऑफ अल्कलिनिटी, यानी अल्कलिनिटी के जो भी टाइप्स हैं उनको आपको बताना है, और किस तरीके से ये सैंपल डिटरमाइंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइंड बाई EDTA मेथड, यानी EDTA मेथड से किस तरीके से हार्डनेस को डिफाइन किया जाता है। और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है तो इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगला आपका है एक्सप्लेन द स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन विद नेट एंड क्लीन डायग्राम, यानी स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन आपको बेहतरीन डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना है। अगला आपका है इसी में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका गिव द केमिकल रिएक्शन इक्विवेलेंट इन द लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर विद नेट एंड क्लीन डायग्राम, यानी जो लाइम सोडा प्रोसेस होता है सॉफ्टनिंग मेथड के अंदर वो किस तरीके से यूज़ होता है, प्रॉपर डायग्राम और एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपको उसको एक्सप्लेन करना है, और ये उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। उसके बाद आपको देख लेना है जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिट नंबर 1 के। उसके बाद आता है फ्रेंड यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन है, उसमें आपको देख लेना है क्या होते हैं क्लाउड एंड पावर पॉइंट, एनिलीन पॉइंट क्या होता है, स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर क्या होता है, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि न्यूमेरिकल भी आए तो छूटे नहीं। अगला आपको देख लेना है लुब्रिकेशन क्या होता है, और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बाउंड्री लुब्रिकेशन, और साथ ही साथ आपको देख लेना है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी लुब्रिकेशन जो आपके लुब्रिकेंट्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को आपको बताना है, और उसके बाद आपको डिफाइन करना है, क्लासिफाई करना है टर्म ऑफ लुब्रिकेंट्स को, और मेंशन करना है उसके प्रॉपर्टीज़ को, और साथ ही साथ आपको बताना है कि हाउ विस्कोसिटी ऑफ एन ऑल सैंपल इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर, यानी किस तरीके से रेडवुड विस्कोमीटर की मदद से हम सैंपल वाटर में विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि एसिडिक नंबर क्या होता है, और स्पेनोफिकेशन नंबर क्या होता है, इसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको हर एक यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको देख लेना है प्लस एंड फायर पॉइंट क्या होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर, लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी। उसके बाद फ्रेंड आता है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है पॉलीमर एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें आपको देख लेना है कि पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है, नायलन सिक्सिस क्या होता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है। उसके बाद आपको देख लेना है PMM क्या होता है, PVA क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, और उसके बाद आपको डिफरेंस पता होना चाहिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में। उसके बाद आपको देख लेना है कि वाटर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको पता कर लेना है कि नेचुरल रबर क्या होता है, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंपाउंडिंग ऑफ रबर, यानी आप क्या समझते हैं कंपाउंडिंग ऑफ रबर से। उसके बाद आपको देख लेना है सिंथेटिक रबर क्या होता है, और उसकी जो भी प्रिपरेशन जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके यूजेस होते हैं उनको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद आपका आता है वाटर फाइबर्स एंड देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, यानी फाइबर क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से आप क्या समझते हैं, और सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ नायलन सिक्स, यानी नायलन सिक्स का किस तरीके से निर्माण होता है, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको देख लेना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर क्या होते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद फ्रेंड आपका आता है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम एंड क्रूजन। इसमें सबसे पहले आपको देख लेना है क्वेश्चन स्टेट फेज रूल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन इट, और उसके बाद आपको देख लेना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज रूल। उसके बाद आपको देख लेना है फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट वाटर सिस्टम, और उसके बाद आपको देख लेना है जो आपका कॉपर और सिल्वर जो
इक्वेटिक सिस्टम होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, कोरोजन क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन इवोल्यूशन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ड्राई एंड वेट कोरोजन में, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसमें आपको उनका कॉजेज प्रिवेंशन आपको देना है, जिसमें पीटिंग कोरोजन, वाटरलाइन कोरोजन, क्रेवाइस कोरोजन, उसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन द प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरोजन। क्लियर, तो ये आपका यूनिट नंबर 4 तक के सारे प्रोसेस हो गए। लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 5 हमारा बच जाता है। तो ये आपका यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, और सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और आपके आने वाले सेमेस्टर के लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियोस आपको मिलेंगे। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बस बने रहना हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल 10K सब्सक्राइबर के आंकड़े क्रॉस कर सके। तो आपको देख लेना है कि यूवी यानी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं, एंड डिस्कस द ओरिजिन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा, एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स जिसमें आपका है पैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, ये आपको देख लेना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है, और भी कुछ टर्म्स हैं, ट्रांसमिटेशंस क्या होते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक, और कुछ और भी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ IR यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक्सप्लेन द ट्रेंड और वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस, और भी कुछ टर्म्स हैं। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस होंगे जो कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के मैंने प्रोवाइड कर दिए। और भी अनदर सब्जेक्ट की रिगार्डिंग वीडियो सीरीज बहुत जल्द आएंगे, बिल्कुल आपको बने रहना हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं सेंटर से, तब तक के लिए थैंक यू।